से हो, अभी हमने रिविजन शुरू किया था पिछली बार, तो अभी जो है हम लोग फर्स्ट हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था हम लोगों ने लिखा था टू नेम्स ऑफ ईच, है ना, हर एक के दो दो नाम लिखे थे, ठीक है। तो अभी जो है हम अपना अगला रिविजन का अगला पॉइंट लिखेंगे, वो है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स तो है और मुख्य उसके जो है मिक्स है, ठीक है। तो आपको ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करना है, ठीक है। तो ऐसे तो आपके वर्कबुक इसमें टेक्स्ट बुक वर्कबुक में समय दिए हुए हैं, लेकिन वो तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें समझ करना है, समझ में आया बराबर है, और सब पढ़ाई कर रहे हो घर पे अच्छी तरह से, ठीक है। कंपोजिशन वगैरह सब लिख लेना, लिखा ही होगा सबने, ठीक है। लर्न करना शुरू करना, पोएम लर्न करना बराबर, और ये सब जो रिविजन में भेज रहे हो इसको सब लिखना घर की कॉपी में देख देख कर अच्छी तरह से, ठीक है। पहले रिविजन में लिखना CW के, और फिर उसके बाद में घर की कोई दूसरी कॉपी में लिखना, तो आपको लर्न हो जाएगा बराबर। और आज जो है हम लोग अपना फिल इन द ब्लैंक्स शुरू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है हमारा डैश पानी बरस रहा है, ठीक है। तो कैसे पानी बरस रहा था, रिमझिम रिमझिम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दो बार लिखेंगे रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आकाश में डैश गरज रहे हैं, क्या गरज रहे थे आकाश में, बादल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बादल, ठीक है। फिर ये डैश रंग के चंपा महक रहे हैं, तो कौन से रंग के चंपा, कौन से कलर के होते हैं, सफेद, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सफेद फूलों पर तितलियां डैश उड़ रही हैं, तो कौन उड़ती है, तितलियां, भौरा भी उड़ता है लेकिन उसको उड़ता है बोलते हैं, इसको उड़ती है बोलेंगे, स्त्रीलिंग है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तितलियां। मिठाइयां डैश है, अब मिठाइयां खाने में कैसी लगती है हमको, मजेदार, है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मिठाइयां मजेदार है, ठीक है। तितली डैश से दोस्ती करती है, तितली की किससे दोस्ती होती है, किसके साथ अच्छे से रहती है तितली, फूलों के साथ रहती है, ठीक है। कांटे उसको अच्छे नहीं लगते, कांटे तो हमको भी अच्छे नहीं लगते हैं बराबर, लेकिन फूल जो है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने आपको पोएम समझाई थी कि उसमें से वो नेक्टर लेकर जो है वही उसका भोजन होता है बराबर, है ना, फूलों पे बैठती है, उसका जो नेक्टर होता है स्वीट वाला वो उसका खाना होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तितली फूलों से दोस्ती करती है। नदी से डैश मिलता है, तो नदी से हमको क्या मिलता है, पानी मिलता है, हमारे घर में नलों में पानी आता है ना, वो सब नदी का पानी आता है बराबर है। तो नदी से हमको क्या मिलता है, पानी आ गया शुरू में। नेक्स्ट, तितली बाग में डैश करती है, तितली बाग में क्या करती है, यहाँ से वहां एक पौधे से दूसरे पौधे, आपने पढ़ा ना, इधर से उधर उधर से इधर, है ना, तो एक पौधे से दूसरे पौधे है, दूसरे पौधे से दूसरे पौधे, फूल पर जा जाकर बैठती है, तो उसको बोलते हैं सैर करना, ठीक है। फिर नदी से डैश मिलता है, दो बार आ गया है, नदी से पानी मिलता है। फिर है गाय डैश देती है, तो गाय क्या देती है, गाय से हमको क्या मिलता है, दूध देती है गाय हमको, ठीक है। फिर भिंडी एक डैश है, भिंडी क्या है, सब्जी है, सब्जी एक फल है, सब्जी है, ठीक है ना, हम लोग बनाते हैं ना, आपकी मम्मी भिंडी की सब्जी बनाती है ना, तो भिंडी क्या होती है, साग भाजी बोलते हो आप लोग, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, सब्जी, ठीक है। फिर सप्ताह का पहला दिन डैश है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या होता है, संडे होता है, तो उसको हिंदी में लिख दो रविवार, ठीक है। फिर गुरुवार के बाद डैश आता है, गुरुवार के बाद कौन सा दिन आता है, शुक्रवार, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार। फिर स्वतंत्रता दिवस डैश महीने में आता है, इंडिपेंडेंस डे कौन से महीने में मनाते हैं हम लोग, अगस्त में, 15 अगस्त को मनाते हैं ना, तो यहाँ पे कौन सा महीने का नाम लिखेंगे, अगस्त, ठीक है। फिर एक वर्ष में डैश महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं एक वर्ष में, 12, है ना, 12, तो 1-2 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। होली डैश महीने में आती है, जैसे अभी जो कौन सा महीना चल रहा है, फाल्गुन चल रहा है ना, होली आने वाली है, तो होली जो है फाल्गुन महीने में आती है। बकरी डैश खाती है, बकरी क्या खाती है, आपने देखा होगा बकरी जो बकरी का मुंह छोटा सा होता है, तो छोटी छोटी पत्तियां पेड़ पे से खाती है, तो क्या लिखेंगे, बकरी पत्तियां खाती है। डैश को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं, ऊंट को, तो क्या लिखेंगे हम, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है।
चीते के शरीर पर डैश होती है, चीते के शरीर पर डॉग्स होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं चित्तियां। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चीते के शरीर पर चित्तियां होती हैं, बराबर है। डैश डाल पर झूलता है ना, स्विंग करता है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाता है, डाली से दूसरी डाली पे जाता है, तो वो कौन होता है, कूद का लगा के जाता है ना, तो वो कौन होता है, बंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बंदर। बगुला डैश होता है, बगुला, बगुले का रंग कौन सा होता है, व्हाइट होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे हिंदी में, सफेद। तो क्या लिखोगे, बगुला सफेद होता है। ठीक है, फिर घड़ी हमें डैश बताती है, घड़ी से हम क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं, तो टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, समय, है ना। तो घड़ी हमें अपने कंपोजिशन में लिखा है ना, फर्स्ट पॉइंट ही लिखा है, घड़ी हमें समय बताती है, बराबर। तो यहाँ पे फिलर्स में क्या आएगा, समय, बराबर। फिर एक दिन में डैश घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं ना, वन डे में, वन डे इक्वल टू 24 आवर्स, मैथ्स में भी पढ़ा है, तो 24 आवर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, 24, है ना, 24 घंटे होते हैं। फिर कौवा डैश पक्षी है, कौवा कैसा पक्षी है, काला भी लिख सकते हैं उसमें और चालाक भी लिख सकते हैं, दोनों आपके राइट निकले। ठीक है, तो चालाक लिखो या कौवा लिखो, ये लिखो काला लिखो, दोनों आपके बराबर। ठीक है, तो यहाँ तक फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गए, ये आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है, बाकी आपको लर्न तो सारे करना है, लेकिन ये रिवीजन वाले जो है वो बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो इसको घर पे जो है दो तीन बार घर पे बैठ के लिखना,